के द्वारा स्वप्न हो, साकार इस अभियान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, आत्मावलोकन है यही दर्शन, अंतरात्मा भी सहज हो सत्य का स्पर्शन, सत्य का स्पर्शन क्षीण हो, संस्कार अंतर ध्यान के द्वारा, आत्म साक्षात्कार प्रेक्षा ध्यान के द्वारा, अनुप्रेक्षा और लेश्या ध्यान का योत्सन, ध्यान का योत्सन श्वास प्रेक्षा सी धरा पर परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महासमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज सुबह का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरु वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ओम अरहम, ओम अरहम। बंधु और बहनों, आज हमारे साथ कोलकाता से जानी मानी प्रेक्षा प्रशिक्षक मंजू जी शिपानी हमारे साथ जुड़ी है। और मंजू जी अभी एक बहुत ही शानदार श्रृंखला ले रही है प्रेक्षा ध्यान के संबंधित, और इस श्रृंखला के अंतर्गत पिछले सप्ताह हमने प्रेक्षाचर्या के सूत्रों के बारे में बात की थी, जाना था सूत्रों के बारे में। प्रेक्षाचर्या के जो पांच सूत्र बताए गए उनमें से दो सूत्र के बारे में हमने विश्लेषण करते हुए बहुत अच्छी तरीके से समझा, बाकी तीन से जो सूत्र है उसके बारे में हम आज जानेंगे, बात करेंगे, साथ में हम प्रैक्टिकल प्रयोग भी करेंगे। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए
मंजू जी का स्वागत करता हूँ एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से। मंजू जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं सभी से निवेदन, मंजू जी का स्वागत दोनों हाथ ऊपर करते हुए ओम आरंभ के साथ, यस यस यस। मंजू जी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है आपसे निवेदन, आप आज का सेशन शुरू करें। सभी को ओम आराम। आराध्य के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणेता के चरणों में वंदन। उपसंपदा, ये शब्द आपने कई बार सुना होगा। उपसंपदा का पिछली क्लास में मैंने अर्थ बताया था। उपसंपदा वो संपदा जो हमारे साथ रहती है। उपसंपदा का एक अर्थ और होता है दीक्षा देना। दीक्षा स्वीकार करना या किसी के शिष्य बन जाना। ये उपसंपदा जो शब्द है ना, वो बौद्ध दर्शन में बहुत अधिक प्रचलित है। जब बौद्ध भिक्षु दीक्षित होते हैं तो उन्हें उपसंपदा दिलाई जाती है, यानी शिष्यत्व स्वीकार करते हैं वो लोग, भगवान बुद्ध के शिष्य बनते हैं। और इसके साथ ही साथ कुछ नियम भी उन्हें दिए जाते हैं। तो शिष्य बनना या विशेष नियम स्वीकार करना, ये है उपसंपदा का अर्थ। रक्षा ध्यान के जब शिविर लगते हैं, 8 दिन के, 10 दिन के, जगह जगह शिविर लगते हैं, तो शिविर लगने के लिए जब साधक वहां उपस्थित होते हैं तो सबसे पहले उन्हें उपसंपदा स्वीकार करवाई जाती है, यानी कुछ उन्हें दीक्षित किया जाता है प्रेक्षा ध्यान के लिए। तो वो उपसंपदा है, उसके 4 सूत्र बताए गए। सबसे पहला होता है अभ्युटिओमि आराहणाय। मैं प्रेक्षा ध्यान की साधना के लिए उपस्थित हुआ हूं। दूसरा होता है मग्गम उपसंपजामि। मैं साधना का मग्गम यानी मार्ग स्वीकार करता हूं। तीसरा होता है सम्मतम उपसंपजामि। मैं अंतरदर्शन की उपसंपदा स्वीकार करता हूं। ध्यान में जाते हैं तो हमें अंतर दर्शन में भीतर प्रवेश करना होता है, तो मैं उसकी उपसंपदा यानी दीक्षा स्वीकार करता हूँ। और चौथा होता है संयमम उपसंपजामि। मैं संयम के पथ को स्वीकार करता हूँ, यानी संयम की उपसंपदा स्वीकार करता हूँ। एक ध्यान के साधक को अध्यात्म का मार्ग स्वीकार करना होता है, जिसमें संयम भी आवश्यक है। बिना संयम के ये मार्ग संभव नहीं। और अंतर दर्शन की दीक्षा स्वीकार करना, यानी मैं यहाँ अंतर भीतर जगत में प्रवेश करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ध्यान का सीधा सीधा संबंध भीतर जगत से है, बाहर जगत से नहीं। बाहर के जगत को, के रास्तों को बंद करके जब हम भीतर प्रवेश करते हैं तब ध्यान होता है। ध्यान घटित होता है, हम अपने बारे में जान पाते हैं। तो ये दीक्षा जब हम स्वीकार करते हैं, ये उपसंपदा जब हम स्वीकार कर लेते हैं, तो केवल स्वीकार कर लेने से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा संभव नहीं होता। कोई कोई हो सकता है ऐसा प्राप्त कर ले, लेकिन इस उपसंपदा को स्वीकार करने के बाद अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन में कुछ सूत्र अपनाने होते हैं, और वही सूत्र कहलाते हैं प्रेक्षा ध्यान की उपसंपदा की चर्या सूत्र। तो इन ये चर्या सूत्र 5 हैं, भावक्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मिताहार और मितभाषण। 2 के बारे में हमने जाना, भावक्रिया और प्रतिक्रिया विरति। भावक्रिया क्यों करें, हमें एकाग्रता सभी, जागरूकता सभी। भावक्रिया चलता फिरता ध्यान, 24 आवर्स मेडिटेशन। प्रतिक्रिया विरति, हमें स्व में स्थित होना है, भीतर प्रवेश करना है, तो हमें प्रतिक्रिया से बचना होगा।
हम जागरूकता के साथ कार्य करें, क्रिया करें, मन वचन काय की प्रवृत्ति करें, जिससे जैसे जैसे जागरूकता बढ़ेगी हम प्रतिक्रिया सोच समझ कर करेंगे, ज्ञाता दृष्टा भाव से करेंगे, पर धीरे धीरे बाहर के जगत से क्या होंगे, हम डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे ही ये साधना बढ़ेगी हम भीतर के जगत में प्रवेश करना शुरू हो जाएंगे। आज आता है हमारा तीसरा सूत्र मैत्री। गौतम स्वामी ने एक बार भगवान महावीर से प्रश्न पूछा, भगवान जीवों के साथ हमारे माता पिता भाई बहन सगे संबंधी के जो रिश्ते जुड़ते हैं, संबंध जुड़ते हैं, वो कितनी बार जुड़ते हैं, कब से जुड़ते हैं? भगवान महावीर ने जवाब दिया, प्रत्येक जीव के साथ हमारे ये संबंध माता पिता भाई बहन सगे संबंधी एक बार नहीं, अनेक बार नहीं, असंख्य बार नहीं, अनंत अनंत बार हमने प्रत्येक जीव के साथ संबंध जोड़े। प्रत्येक जीव के इस अपेक्षा से अगर हम देखें तो निश्चय न की दृष्टि से प्रत्येक जीव हमारा क्या है, अपना है। आया ना, जीव के साथ हम किसी न किसी जन्म में माता पिता भाई बहन या अन्य रिश्तों के साथ जुड़े हैं, अनेक बार नहीं अनंत बार। इस अपेक्षा से समस्त जीव क्या हुए, हमारे अपने हुए। तो अगर हम इस तथ्य को भी मानते हैं तो क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, इस संपूर्ण पृथ्वी क्या है, हमारा कुटुंब है। दूसरी जो दृष्टि है कि प्रत्येक जीव की आत्मा समान है, आत्मा की दृष्टि से प्रत्येक जीव समान है, चाहे वो एक इंद्रिय है, चाहे बे इंद्रिय है, ते इंद्रिय है, चतुरेंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, यानी चाहे सूक्ष्म जीव है, चाहे स्थूल जीव है, चाहे मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, देवता है, नारक है, हर जीव आत्मिक दृष्टि से हमारे समान है। आत्मा सबकी समान है, एक तिल मात्र भी भेद नहीं आत्मा की दृष्टि से। जो शरीर मिले हैं, जो सुख दुख पुण्य पाप है, वो हमारे अपने कृत कर्मों के कारण, वो सबके भिन्न भिन्न है, लेकिन आत्मा सबकी समान है। अगर हम इस दृष्टि को भी मानते हैं, इस तथ्य को भी मानते हैं, तो क्या हुआ, सब जीव समान है, सब जीव मेरे अपने ही समान है, जैसी मेरी आत्मा है वैसी सबकी आत्मा है। तो सुख दुख मान अपमान, ये जो पीड़ा है, वेदना है, ये सब जीव समान रूप से सहते हैं। जैन दर्शन भी कहता है ये जो क्रोध मान माया लोभ आहार भय मैथुन परिग्रह लोक ओह, ये 10 प्रकार की जो संज्ञाएं हैं प्रत्येक जीव में होती हैं, चाहे वो जीव कैसा भी है, हर जीव में ये संज्ञाएं होती हैं जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं। तो हर जीव समान है, अगर ये आत्मोपम्य की भावना आ जाती है प्रत्येक जीव के साथ, यही मैत्री। प्रेक्षा ध्यान के साधक को इसी मैत्री को अचीव करना है, प्राप्त करना है। प्रश्न होता है क्यों, क्यों मैं प्रत्येक जीव के साथ मैत्री करूं, अकेला आया हूं, अकेला जाऊंगा, अकेला ही मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मेरे अपने कर्म ही मेरे लिए क्या है, कर्मों के कर्ता और भोक्ता मैं स्वयं हूं, अपने ही कर्मों से मैं मोक्ष जाऊंगी, फिर सब जीवों से मैत्री क्यों, क्यों मैं मैत्री साधू, क्यों मैं सब जीवों की परवाह करूं। हम अपने इस जीवन में देखें, अगर किसी के साथ आपकी शत्रुता है तो क्या आपके मन में शांति है? अगर आपकी किसी के प्रति ईर्ष्या है तो क्या आपके मन में शांति है? नहीं। ध्यान का एक लक्ष्य सभी का समान है, वो है शांति। हम ध्यान क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमें शांति चाहिए। और दूसरी दृष्टि से आप सोचिए, अगर चित्त में शांति नहीं है तो हम ध्यान की गहराई में भी नहीं जा सकते, बिल्कुल नहीं जा सकते। तो ये तो क्या हुआ, कुछ विपरीत सी बात हो गई, शांति के लिए ध्यान करना है और चित्त में शांति के बिना ध्यान की गहराई में भी नहीं जा सकते हैं, तो क्या करें? इसीलिए ये मैत्री का सूत्र, मैत्री हम
जब किसी के प्रति शत्रुता होती है, हमारे भीतर क्लेश होता है, नकारात्मक सोच होती है, ईर्ष्या आ जाती है, तो ये भाव हमें क्या करते हैं, बेचैन करके रखते हैं, चित्त को चंचल बनाए रखते हैं, और चित्त की चंचलता कभी भी ध्यान में नहीं जाने सकती। तो अगर सब जीवों के प्रति हम मैत्री साध लेते हैं तो हमारे चित्त की चंचलता कम होती है, आत्मिक क्लेश मिटता है, हम शांति का अनुभव करते हैं, हम सौहार्द का अनुभव करते हैं, प्रेम का, वात्सल्य का, करुणा का अनुभव। तो मैत्री की भावना ध्यान के साधक के लिए अति आवश्यक है। जो इस मैत्री को खंडित करता है ना, वो सबसे, अगर एक भाव मैं बताऊं तो वो है स्वार्थ। हम निजी स्वार्थ में इतने लिप्त हो जाते हैं कि दूसरे के सुख दुख का हम ध्यान ही नहीं करते, बस मेरा स्वार्थ सद जाए, मुझे शांति मिल जाए। पर क्या ये संभव है? एक परिवार में हम रहते हैं, जैसा कि मैंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी वसुधा मेरी कुटुंब है। अगर मेरा अपना स्वजन दुखी है तो क्या मेरी आत्मा में शांति संभव है? ये शांति बिल्कुल, क्योंकि मोह हम सब में है। वसुधैव कुटुंबकम की बात मानेंगे तो हमारा प्रेम क्या होगा, विशाल हो जाएगा। लेकिन अगर हम परिवार के भी सब सदस्यों के प्रति सौहार्द नहीं रख पाते, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरे माता, मेरे पिता, क्या हम ये नहीं सोच सकते हैं कि कोई ना कोई व्यक्ति, किसी न किसी का माता पिता है, भाई बहन है, अपना है। अगर सब जीव मेरे ही समान है, सबकी आत्मा मेरी ही समान है, तो क्यों नहीं मैं सबके प्रति सौहार्द। ये जो स्वार्थ की भावना है, ये हमें ऐसा करनी नहीं है। हम सुविधाओं से जुड़ गए हैं, लालच से जुड़ गए हैं, जो हमें स्वार्थ की भावना को छोड़ने नहीं देते। आप एक मिनट के लिए कल्पना करिए कि पृथ्वी के सारे मनुष्य, सारे जीव जंतु मेरे मित्र, मेरी किसी के प्रति कोई शत्रुता नहीं, सब मेरे मित्र हैं, ये भरोसा रखिए। और सोचिए अगर ऐसा है तो आपको क्या लगेगा, किसी भी परिस्थिति आए जीवन में, अनुकूल प्रतिकूल, सब मेरे मित्र हैं, तो जो मित्र है वो मेरे सहयोग करेंगी, मैं सबका सहयोग करने के लिए हर वक्त तत्पर हूँ, क्योंकि सब मेरे मित्र हैं, सबके प्रति मेरे मन में प्रेम है, करुणा है, दया है। तो मैं जब सबके प्रति ऐसा भाव रखती हूँ तो ये कैसे संभव है कि कोई मेरा सहयोग नहीं करेगा, निश्चित करेगा। जो हम छोड़ते हैं इस यूनिवर्स में वही लौट कर हमारे पास है। तो मैत्री की भावना बहुत बहुत, केवल अपने लोगों से नहीं, अपने परिवार से नहीं, समस्त प्राणी मात्र के प्रति में ये भावना हमें क्या देगी, आत्मतोष देगी, भीतर के क्लेश को मिटाएगी, भीतर में प्रेम की गंगा बहाएगी, हमारे भीतर प्रसन्नता रहेगी, क्योंकि प्रसन्नता हमारे जीवन का आवश्यक तत्व है। अगर हम हर वक्त प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, तो हमारा व्यवहार कैसा होगा, सौहार्दपूर्ण, प्रेमपूर्ण, हमारी सबके साथ मैत्री सधेगी। तो हर वक्त प्रसन्न रहने की कोशिश करिए, प्रसन्न रहिए। दूसरा, अगर मैं कहूं कि हम कैसे साधे मैत्री को, तो कुछ व्यवहारिक सूत्र हमें जानने चाहिए, जिसमें सबसे पहला है हमेशा प्रसन्न रहें, चेहरे पर एक स्निग्ध मुस्कान रखें, ठीक है। दूसरा है स्वीकार्यता, जो जैसा है अपने अपने कर्मों का भोग भोग रहा है, तो कोई कैसा व्यवहार कर रहा है, क्यों कर रहा है, वो सब अपने कर्मों के अधीन है, हम भी तो अपने कर्मों के अधीन है, तो दूसरे को स्वीकार करना, ये है मैत्री साधने का एक सूत्र। जैसे मैत्री, अगर हम, ये कोई सूत्र नहीं है, मैत्री मैं तेरी है ना, मैं तेरी यानी समर्पण। जब हम एक किसी के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं, आप देखिए जनरली हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी, वो अगर हमें कुछ कहता भी है ना नेगेटिव, हम क्या कहेंगे, मजाक करते हैं
है ना, क्योंकि हमारा उसके प्रति स्नेह है, उसके प्रति एक भरोसा है, तो हमें कोई भी उसकी बात बुरी नहीं लगती, हम उसको स्वीकार कर लेते हैं, उसकी गलतियां माफ कर देते हैं, उसकी कोई बुरी आदतें उसको भी हम इग्नोर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्रति हमारा स्नेह है। लेकिन जिसके प्रति हमारा द्वेष है, प्रतिद्वंद्वता का भाव है, ईर्ष्या है, उसके प्रति क्या हम ऐसे इग्नोर कर पाते हैं? नहीं। वो कभी अच्छा भी कहता है तो हम कहेंगे नहीं, झूठ बोल रहा है, ये दिखा रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। तो मैत्री का एक अर्थ है मैं तेरी, यानी समर्पित हो जाना, समर्पण। समर्पण शब्द बहुत गहरा है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर समर्पण शब्द को मैं समझाना चाहूं तो जो व्यक्ति जैसा है उसे उस रूप में स्वीकार कर लो, स्वीकार कर लो, ये ऐसा है, उसकी कर्म ऐसे उदय में आए हैं, मुझे कैसा रहना है, मुझे सकारात्मक रहना है, कोई कैसा है उसको बदल मैं नहीं सकता हूँ, ये नामुमकिन है किसी को बदलना, मैं बदल नहीं सकता हूँ, मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं उसके कर्म बदल दूं, लेकिन मेरे में ये शक्ति जरूर है कि मैं स्वयं पर संयम रखूं, स्वयं को काबू में रखूं, स्वयं के प्रति जागरूक रहूं, प्रति ऐसी प्रतिक्रिया न करूं जिससे कोई मेरा मित्र न। तो प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया और मैत्री का एक बहुत गहरा संबंध है आपस में। हमारी सकारात्मक प्रतिक्रिया दूसरे को हमारा मित्र बना देती है, हमारी नकारात्मक प्रतिक्रिया दूसरे को हमारा शत्रु बना देती है। तो प्रतिक्रिया और मैत्री का बहुत गहरा आपस में संबंध। प्रतिक्रिया के प्रति जितने जागरूक होंगे उतना ही हमारा व्यवहार अच्छा होगा और दूसरों के साथ हमारी मैत्री सभी। तो स्वीकार्यता, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस पावर हमारा बढ़ना चाहिए जिससे हमारी मैत्री सभी। तीसरा है आत्मोपमेय की भावना। देखिए हर जीव में वही आत्मा है जो हमारी, कर्मों का खेल है, कर्मों का खेल है। जैसे मैं भी तो अपनी शक्तियों को नहीं पहचान रहा, मुझ में अनंत ज्ञान है, अनंत शक्ति, अनंत आनंद, पर कहां दिखाई तो नहीं दे रही। हो सकता है किसी दूसरे से थोड़ा ज्यादा ज्ञान मुझे हो, किसी पुण्य के उदय से किसी दूसरे से ज्यादा मुझे वैभव मिल गया हो, संपत्ति मिल गई हो, या ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से मुझे ज्ञान कुछ अधिक हो गया हो, लेकिन संपूर्ण तो नहीं। उसकी आत्मा भी वही है, अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति और अनंत आनंद, बस कर्मों का आवरण है, वो एक न एक दिन तो मिटी जाए। तो इस तरह आत्मोपमेय की भावना, दूसरे जीव को अपने समान समझना, ये हम अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें ना तो ये बिल्कुल भावनाएं हमारे भीतर पुष्ट हो सकती है। चौथा है क्षमा। यस, जब हम किसी को स्वीकार करते हैं, ये कब संभव है? जब हमारे भीतर क्षमा भाव आएगा, किसी की अच्छाई के प्रति ईर्ष्या न रखें, किसी की बुराई के प्रति द्वेष न रखें। ऐसा कब संभव होता है? द्वेष कब नहीं आएगा? जब हमारे भीतर क्षमा के भाव पैदा होंगे। क्षमा वीरस्य भूषणम्, जो वीर है वही क्षमा करता है, कायर नहीं। क्षमा करना कभी भी कायरता नहीं है। किसी भी गलती को आप क्षमा करिए, तुरंत आपने उसको अपना मित्र बना लिया, अपना हितैषी बना लिया, है ना, अपना शुभ चिंतक बना लिया। तो क्षमा बहुत बड़ा शस्त्र है, बहुत बड़ा आभूषण है जिससे हम अपने आप को सजाएं। तो मैत्री सधेगी। एक है प्रतिक्रिया के प्रति जागरूक रहना। यस, प्रतिक्रिया और मैत्री का आपस में बहुत बहुत गहरा संबंध। कभी भी प्रतिक्रिया करो, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में जागरूक रहो। किस बात का घमंड करता हूं अगर मुझे वैभव मिला है, ज्ञान मिला है, है ना? मैंने भी हर योनि में अनंत अनंत बार जन्म लिया है, चाहे मैं एक इंद्रिय बनाऊं, पृथ्वी जल अग्नि वायु बना हूं, चाहे मैं चींटी हाथी कोई भी जीव, मैं भी अनंत बार हर योनियों में जाके बैठा हूं। पुण्य के उद्देश्य से मनुष्य भव मिला, कुछ कुल मिला, जैन धर्म मिला, इसका मैं जितना सदुपयोग करूं। प्रत्येक जीव के प्रति शुभ कामना करें। जो मनुष्य है, सोचिए मनुष्य भव पाया है, पर सबने उच्च कुल नहीं पाया, जैन धर्म नहीं पाया, सम्यक्त्व नहीं पाया, सम्यक दृष्टि नहीं पाई, और पाई है तो उस पे आचरण नहीं कर रहे। सबके प्रति मन में करुणा भाव, द्वेष नहीं, स्वयं पे घमंड नहीं, अहंकार नहीं। तो प्रतिक्रिया राग द्वेष मुक्त होकर प्रतिक्रिया करें, तटस्थ भाव से प्रतिक्रिया करें, जानते हुए प्रतिक्रिया करें, हमारे भीतर अहंकार न आए, लोभ न आए, ईर्ष्या न आए, माया न हो, छल कपट न।
ये जितने भी कषाय हैं ये हमारी मैत्री को भंग करने वाले, तोड़ने वाले हैं। जब किसी के साथ व्यवहार करें, प्रतिक्रिया करें, मन वचन काया की प्रवृत्ति करें, पूरी जागरूकता के साथ, संयम के साथ, तो अगर मैत्री हमारे भीतर पुष्ट होती है तो हमारे भीतर शांति ऑटोमेटिक अवतरित हो जाएगी। और बिना भीतर की शांति के, चित्त की शांति के, अंतर जगत में प्रवेश संभव नहीं। हमने जो प्रेक्षा ध्यान की दीक्षा स्वीकार की कि मैं अंतर दर्शन की दीक्षा स्वीकार करता हूँ, मैं संयम की दीक्षा स्वीकार करता हूँ, मैं अध्यात्म के मार्ग को स्वीकार करता हूँ, तो इस मार्ग पर चलने के लिए मैत्री आवश्यक है। तो आज हमने तीसरे सूत्र के बारे में जाना, मैत्री क्या है, कैसे है, एक साधक को मैत्री कैसे साधनी चाहिए। बिना मैत्री के आत्म शांति संभव नहीं। तो आइए आज हम मैत्री की अनुपेक्षा करते हैं, किस प्रकार हम परिस्थितियों को अपने सकारात्मक विचारों से, परिस्थितियों को पॉजिटिव बनाए, अपने फेवर बनाए, अनुकूल बनाए, ताकि हमारे भीतर मैत्री पुष्ट हो, हम आत्मिक शांति को प्राप्त करें। और जितनी जितनी आत्मिक शांति बढ़ेगी हम ध्यान की गहन प्रवेश कर पाएंगे। सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। ज्ञान मुद्रा अथवा वितराग मुद्रा, आसन सुखासन, पद्मासन अर्ध पद्मासन, वज्रासन, जो कुर्सी पर बैठे हैं वो अपने दोनों पैरों के बीच चार अंगुल का फासला रखें, पैरों के नीचे आसन रखें, हाथों को ज्ञान मुद्रा अथवा वितराग मुद्रा में स्थापित करें, गर्दन कमर और रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, कंधों को ढीला छोड़ दें, बिल्कुल ढीला छोड़ दें, गर्दन को रिलैक्स करें, हल्की सी आगे की ओर अथवा पीछे की ओर झुका के रखें ताकि गर्दन में अकड़न न रहे, कंधे रिलैक्स। श्वास मन 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 और महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। 9 बार हम महाप्राण ध्वनि करेंगे। जिन्हें सुविधा हो वो सर्वेंद्र संयम मुद्रा के साथ महाप्राण ध्वनि करें। जिन्हें सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा लगाना आसान न लगे वो नॉर्मल भी महाप्राण ध्वनि कर सकते हैं। 9 बार सभी अपनी अपनी काउंटिंग स्वयं करें, क्योंकि जिन्होंने सर्वेंद्रिय संयम मुद्रा लगाई है उनको मेरी आवाज शायद नहीं सुनाई देगी। तो 9 बार करने के बाद आप शांत हो जाएं। श्वास भरेंगे छोड़ते हुए, भरे श्वास, भरे श्वास, भरे श्वास, भरे श्वास।
हरे स्वामी हरे स्वाहा हरे स्वाहा आयोत्सव शरीर को स्थिर रखे कोई हलन चलन नहीं पूरी स्थिरता अनुभव करें शरीर प्रतिमा की भांति अडोल हो गए दो शरीर की स्थिरता को साधित पूर्ण स्थिरता जस्ट लाइक ए स्ट्रेच शरीर की पकड़ को ढीला छोड़ ढीला पैर से लेकर सिर तक शरीर के एक एक भाग पर चित्त को ले जाएं, शिथिलता का सुझाव दें और उसका अनुभव करें। शिथिल हो जा शिथिल हो जा अनुभव करें शिथिल हो रहा शिथिल हो रहा हल्के पन का अनुभव करें शरीर का जो भाग शिथिल हो जाएगा
उस भाग में हल्के पन का अनुभव करें। अपने दोनों पैरों को शिथिलता का सुझाव अनुभव करें। दोनों पैर पैर हल्के होते जा रहे हैं, हल्के हल्के, कहीं कोई अकड़न झकड़न नहीं। रिलैक्स रिलैक्स, पैरों की पकड़ छूटती जा रही है, छूटती जा रही है। रिलैक्स रिलैक्स, शरीर के मध्य भाग कमर से लेकर कंधों तक पूरी जागरूकता से शिथिलता का सुझाव। रिलैक्स हो जा हो जा हो जा। रिलैक्स कमर से लेकर कंधे तक पूरा शरीर शिथिल हो गया, हल्के पन का अनुभव। दायां हाथ बायां हाथ पूरी जागरूकता से छोड़ दे, बिल्कुल ढीला छोड़ दे। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, कंधों को ढीला छोड़, बिल्कुल ढीला। रिलैक्स रिलैक्स, गर्दन का पूरा भार। रिलैक्स, पूरा चेहरा, आंखों पे कोई दबाव न रहे, चेहरे पे स्निग्ध मुस्कान, सारी मांसपेशियां रिलैक्स। मस्तिष्क पैर से लेकर सिर तक पूरा शरीर रिलैक्स हो गया है, हो गया है। पूरे ध्यान काल तक शरीर की स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता बनी रहे। अपने चारों ओर श्वेत रंग को देखें, चारों ओर श्वेत रंग के परमाणु फैले हुए, चमकता हुआ श्वेत, चंद्रमा की शीतलता, पूर्णिमा का चंद्रमा, चमकती हुई श्वेत रश्मियां चारों ओर फैली हुई। श्वेत रंग का स्वास्थ्य अनुभव करें, प्रत्येक श्वास के साथ चमकते हुए श्वेत रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश करें। बाहर भीतर केवल चमकता हुआ श्वेत रंग,
बाहर भीतर शीतलता और शांत। चमकता हुआ श्वेत प्रकाश चारों ओर फैला हुआ, श्वास के साथ श्वेत रंग के परमाणु आपके भीतर प्रवेश करें। अपने भीतर चमकता हुआ श्वेत रंग देखें, भीतर के सारे विकार धुल गए। कोई विकार नहीं, भीतर के विकार शांत। शांत शांत, बाहर भीतर गहरी शांति का अनुभव। शाम शाम चित्त को ललाट के मध्य भाग ज्योति केंद्र पर केंद्रित कर। ललाट का मध्य भाग ज्योति केंद्र, ललाट के मध्य भाग से भीतर की ओर लगभग आधा इंच भीतर की ओर मस्तिष्क के बीचों बीच ज्योति की, वहां चमकते हुए श्वेत रंग का ध्यान कर। धीरे धीरे पूरा ललाट चमकते हुए श्वेत परमाणु से भर गया। पूरे ललाट पर श्वेत रंग का ध्यान कर। चित्त को ललाट पर केंद्रित रखते हुए अनुप्रेक्षा करेंगे। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबके प्रति मैत्री का प्रयोग करूंगा। सब मेरे मित्र हैं, मैं सबके प्रति मैत्री का प्रयोग करूंगा। श्वास लेते हुए आप मानसिक उच्चार जप करेंगे, सब मेरे मित्र हैं। श्वास छोड़ते हुए आप मानसिक शब्दावली का जप करेंगे, मैं सबके प्रति मैत्री का प्रयोग करूंगा। श्वास के साथ मानसिक जप करें, सभी मेरे मित्र हैं, मैं सबके प्रति मैत्री का प्रयोग करूंगी। सभी मेरे मित्र हैं, मैं सबके प्रति
मैत्री का प्रयोग करूंगी। सभी मेरे मित्र हैं, मैं सबके प्रति मैत्री का प्रयोग करूंगी। सभी मेरे मित्र हैं, मैं सबके प्रति मैत्री का प्रयोग करूंगी। सभी मेरे मित्र हैं, मैं सबके प्रति मैत्री का प्रयोग करूंगी। सभी मेरे मित्र हैं, मैं सबके प्रति मैत्री का प्रयोग करूंगी। सभी मेरे मित्र हैं, मैं सबके प्रति मैत्री का प्रयोग करूंगी। सभी मेरे मित्र हैं, मैं सबके प्रति मैत्री का प्रयोग करूंगी। सभी मेरे मित्र हैं, मैं सबके प्रति मैत्री का प्रयोग करूंगी। सभी मेरे मित्र हैं, मैं सबके प्रति मैत्री का प्रयोग पूरी जागरूकता के इस शब्दावली को, इस अनुप्रेक्षा को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। पूरी तन्मयता, पूरी जागरूकता, मानसिक जप के साथ इस भावना को, इन शब्दों को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाएं। अपने अवचेतन मन में फीड कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब हम अनुचिंतन करेंगे। शत्रुता का भाव मेरे भीतर भय पैदा करता है। शत्रुता का भाव मेरे भीतर भय पैदा करता है। भय मेरे शरीर और मन को कमजोर बनाता है। भय मेरे शरीर और मन को कमजोर बनाता है, दुखी बनाता है। इसलिए मुझे मैत्री भाव का विकास करना चाहिए। मैत्री का भाव मेरे भीतर अभय पैदा करता है, मेरे भीतर प्रसन्नता लाता है, मेरे भीतर क्लेश को दूर करता है, स्वार्थ की भावना को मिटाने वाला होता है। अनुचिंतन करें, कल्पना करें कि चारों ओर जितने भी प्राणी हैं, सभी के प्रति मेरी मैत्री है। अनुभव करें, मेरे भीतर से करुणा का, प्रेम का, विश्वास का भाव चारों ओर बह रहा है। प्रत्येक प्राणी की ओर, प्रत्येक व्यक्ति की ओर प्रेम, करुणा और विश्वास की लहरें बह रही हैं।
हर एक जीव तक आपका प्रेम, आपकी करुणा, आपका विश्वास पहुंच रहा है। भर जाए प्रत्येक जीव के प्रति प्रेम से, करुणा से, सौहार्द से। आपके भीतर से बहने वाली प्रेम की, करुणा की धाराएं प्रत्येक जीव को सरोबार कर दी। हर व्यक्ति को आपके चारों ओर, आपके आसपास, आपसे दूर रहने वाले, इस पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीव के पास आपकी करुणा, आपका प्रेम, आपका भरोसा, विश्वास पहुंच रहा है। अनुभव करें प्रत्येक व्यक्ति की, प्राणी की आंखों में आपके प्रति प्रेम है, सौहार्द है। अपने चारों ओर के व्यक्तियों का कल्पना करें, जो भी प्राणी है, जो भी जीव आपसे जुड़े हुए हैं, सबकी आंखों में, सबके व्यवहार में, सबकी वाणी में आपके प्रति प्रेम है, सौहार्द है, करुणा है, भरोसा। अपने भीतर आनंद का अनुभव करें। चारों ओर, आपके भीतर, आपके चारों ओर केवल प्रेम, करुणा, मैत्री। इतना सुंदर ये जगत, कोई क्लेश नहीं, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। अनुभव करें सभी मेरे मित्र हैं, मैं सभी का मित्र हूं। सभी के साथ मेरी मैत्री, अनुभव करें। अगर इस संसार में कोई भी आपका शत्रु नहीं है, तो संसार कितना सुखपूर्ण है, कितना प्रेमपूर्ण है, कितना आनंदपूर्ण। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, हर व्यक्ति, हर जीव आपके सहयोग के लिए तत्पर है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं। अनुभव करें, इस अवस्था का अनुभव करें कि सब अगर मेरे मित्र हैं, मेरी सभी से मैत्री है, तो कैसा डर, कैसा क्लेश, कैसा दुख, केवल शांति और आनंद। पूरी जागरूकता से अनुभव करें इस स्थिति का, इस परिस्थिति का, इन भावों का। वसुधैव कुटुंबकम् नेतिं मे सर्वभूतेषु वैरं मज्जनकी। सभी से मेरी मैत्री, कोई मेरा शत्रु। भावों को अनुभव करें, आत्मसात करें, शांति और आनंद से भर जाएं। ये जीवन कितना शांति और सुख से भर जाए अगर सभी मेरे मित्र हों। ये मैत्री,
मुझे स्थापित करनी है। अगर मैं मैत्रीपूर्ण रहूंगा तो दूसरे निश्चित ही मेरे प्रति मैत्रीपूर्ण होंगे। अगर मैं स्वयं मैत्रीपूर्ण रहूंगा तो दूसरे निश्चित ही मेरी प्रति मैत्रीपूर्ण होंगे। अपने प्रति आत्मविश्वास से मैत्री के भाव से भर जाए। मैत्रीपूर्ण वातावरण की शांति का आनंद का अनुभव कर। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखम्। चिंतन करें, अनुचिंतन करें, अनुचिंतन करते करते अनुभव के स्तर पर आए। संकल्प करें, शत्रुता मेरे जीवन में भय और दुख देती है, मेरे जीवन की प्रसन्नता को नष्ट करती है, मेरे जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता आए, इसके लिए मैं संकल्प करती हूँ कि मैं मैत्री के भाव का विकास करूं। मेरे जीवन की प्रसन्नता के लिए, सुख और शांति के लिए मैत्री आवश्यक है। मैं निश्चित ही मैत्री के भाव को अपने भीतर पुष्ट करूं। स्वयं से स्वयं संकल्प करें कि जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता के लिए मैं अपने भीतर मैत्री भाव को पुष्ट करूंगी, ऐसा मेरा दृढ़ संकल्प। पूरी जागरूकता से, तन्मयता से इस संकल्प को अपने सब कॉन्शियस माइंड तक पहुंचाए। अपने आप को इस भावना से, इस संकल्प से भावित करें। मैं निश्चित ही मैत्री भाव का विकास कर रही हूँ, मैं निश्चित ही मैत्री भाव का विकास कर लूंगी, मैं निश्चित ही मैत्री भाव का विकास कर लूंगी। तीन बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। श्वास भरें। श्वास भरें।
श्वास भरे। आंखें बंद ही रहेंगी, दोनों हाथ हृदय के पास जुड़े हुए, पूरी तन्मयता और श्रद्धा से सभी मेरे साथ एक बार शरण सूत्र का उच्चारण करेंगे। अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनासन में आ जाए, तीन बार सत्य को वंदन करेंगे। वंदे सत्यम्, वंदे सत्यम्, वंदे सत्यम्। प्रेम संपन्न, धीरे धीरे सभी अपनी आंखों में हाथों का जोर से घर्षण न करें। ओम अरहम, ओम अरहम। रिक्षाचर्या के पांच सूत्रों में से तीसरा सूत्र बिल्कुल छोटा सा सूत्र, लेकिन कितना असरदार ये हमने अभी जाना। इस सूत्र को अगर हम जीवन में अपना लें तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाए, सारी समस्याएं समाप्त हो सकती है। मैत्री की भावना हमारे अंदर आए, कोई हमारी दुश्मन नहीं, सभी हमारे मित्र, तो ये भावना हमारे अंदर पुष्ट कैसे हो, इस बात को हमने अभी प्रयोग के माध्यम से जाना। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, आपका बहुत सुंदर तरीके से आपने प्रयोग करवाया। तो अभी समापन किया चले, दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए मेरे साथ साथ सभी मानसिक उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो, इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। मंजू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी की तरफ से, और जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। अनुवर्त गीत का मैत्री भाव का एक स्लोगन करेंगे। मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता जाए, समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता पाए, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो, संयममय जीवन हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ
सभी साधक साधिका एक साथ में उच्चारण करेंगे। फिटनेस का डोज, एक घंटा रोज, फिटनेस का डोज, एक घंटा रोज, फिटनेस का डोज, एक घंटा रोज। ओम अरहम